Celular. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे आप लोगों से अभी शुरू में पूछा जाए कि एक फुटबॉल फील्ड क्या होती है, तो जनरली इस पर रिस्पॉन्स ये आता है कि सर, ऐसी जगह जहां फुटबॉल खेली जा रही हो या जहां फुटबॉल खेलना जो है वो प्रेफर किया जाता है, उस जगह को आप फुटबॉल फील्ड बोलते हैं। और इसी तरह से अगर वो आपसे पूछे भाई क्रिकेट फील्ड क्या होती है, सही है, जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा हो, तो ये जो फील्ड का वर्ड है ना, इस फील्ड का मतलब एक एनवायरनमेंट होता है, एक थ्री डायमेंशनल रीजन है फील्ड का जनरल मतलब। तो एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। All right, sorry. So when you're working with the idea of electric field ना, तो electric field एक general three dimensional space होती है, सही है, जहाँ electric forces experience की जा सके, सही, is a 3D environment, a 3D space where you can experience some electric forces. तो उसको define करने का तरीका भी यही है। It's a region in a space around a charge where an other charge can experience electric force. सही, एक ऐसा रीजन किसी चार्ज के अराउंड जहां अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग सके, उस रीजन को, उस एनवायरनमेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहे होते हो। तो ये बेसिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सही। अच्छा, अब लाजमी सी बात है कि भाई फोर्स, जो भी फील्ड की आप बात करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स के रिस्पेक्ट से बात करेंगे कि वहां पे कोई भी पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो जितनी फील्ड्स होती है ना, ये फोर्स फील्ड्स होती है, बेसिकली फोर्स फील्ड्स। सी, पार्टिकल्स आर सपोज्ड टू एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, लेकिन ये फोर्स का जो नेचर है, सही है, ये फोर्स का नेचर ये है कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। फोर्सेस आप जानते हैं कि भाई इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव, क्योंकि ये चीज हम शुरू में भी पढ़ते हुए आए हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, मुझे इन दोनों के अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के रिस्पेक्ट से बनाई गई है या फोर्स को समझाती है, तो एक चीज जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे हम यहाँ पे, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें फोर्स की डायरेक्शन बताती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की फील्ड लाइन बनाएं, तो पॉजिटिव की फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकलते हुए बनाई जा रही होती है, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स। और नेगेटिव की फील्ड लाइंस इसी तरह होती हैं, लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होती है, फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज आ रही होती है, सही, टुवर्ड्स द सेंटर आ रही होती है आपके पास। तो ये जो डायरेक्शन है, इसका मकसद क्या है? क्यों पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर, क्यों नेगेटिव है फील्ड लाइंस अंदर? किसी के पास इसका कोई जवाब, कोई आइडिया है? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जनरल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। एनीबडी ऑफ यू हैव एन आइडिया कि भाई
why do we show field lines coming out of positive and why do we show field lines going into negative? ठीक है वहीद, आपका जवाब मेरे पास आ गया है। और अगर किसी को कोई आइडिया हो ऐसा क्यों होता है? चले कोई मसला नहीं है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस tells the direction of force. See, the direction of field line tells the direction of force. See, kis cheez pe? On a small positive charge. See, field line ki direction aapko force ki direction batati hai. Ek स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कि अगर मैं इस बड़े वाले पॉजिटिव चार्ज के नजदीक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो उस पे कहां फोर्स लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के नजदीक एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आए तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो बाहर की साइड पर लगेगी। सही, रेडियली आउट। रेडियली का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उस बड़े वाले चार्ज के सेंटर से निकलती हुई आ रही है फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये रेडियली आउटवर्ड्स है, लिहाजा हम जितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो सारी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती है। और अगर मैं इस नेगेटिव के नजदीक लेकर आ जाऊं उस अपने पॉजिटिव चार्ज को, सही, इस नेगेटिव के नजदीक लेकर आ जाऊं अपने पॉजिटिव चार्ज को तो ये अट्रैक्ट करेगा। सही, जो फोर्स है वो इन साइड आ रही होगी, टुवर्ड्स द सेंटर आ रही होगी, इसीलिए सारी फील्ड लाइंस जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ सेंटर की तरफ बनेंगे। बात समझ में आई है कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन है वो फोर्स की डायरेक्शन बताती है आपको किस चीज पे, एक पॉजिटिव चार्ज पे। सही, पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस लिया गया क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन से पहले डिस्कवरी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स की हुई थी। तो पॉजिटिव चार्जेस को रेफरेंस उठाया गया कि भाई हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को रेफरेंस देते हुए। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के नजदीक एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आए तो फोर्स बाहर लगेगी, रिपल्शन, और अगर नेगेटिव के नजदीक उस पॉजिटिव चार्ज को ले आए तो फोर्स अंदर लगेगी अट्रैक्शन होने की वजह से, और फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स लगती है। इसी वजह से आपके पास यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड्स बनाई जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। अब इन फील्ड लाइंस के दरमियान का जो गैप होता है ये गैप उस फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। अगर फील्ड जो लाइंस आपने ड्रॉ की हैं उनमें गैप ज्यादा हो और बढ़ता चला जाए तो हम कहेंगे कि फील्ड वीक होती जा रही है, और अगर फील्ड लाइंस के दरमियान में ये कह लीजिए कि गैप जो है वो कम है, रिड्यूस होता जा रहा है, तो हम कहेंगे भाई कि हमारे पास जो फील्ड है वो वीक होती जा रही है। तो अगर मैं मेरे ख्याल में उल्टी बात कह दी, इसको मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ। जैसे एक मैंने चार्ज ये बनाया और एक चार्ज मैंने ये बनाया, ठीक है। अगर हम जनरली ऑब्जर्व करें तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज, इस वाले चार्ज को देख लो, सेकंड वाले, अगर इसके नजदीक का एनवायरनमेंट देखा जाए, सही, तो इसके नजदीक में फील्ड लाइंस करीब करीब हैं, फील्ड लाइंस क्लोज टू वन अनदर, सही,
क्लोज फील्ड लाइंस। और अगर हम दूर जाएं और ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे फील्ड लाइंस डिस्टेंट है, दूर है एक दूसरे से। तो मैंने ये कहा था अभी कि जो गैप है फील्ड लाइंस के दरमियान में वो फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है। गैप बिटवीन फील्ड लाइंस टेल द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। सी इफ यू हैव मोर गैप यू हैव अ वीक फील्ड। गैप ज्यादा होगा फील्ड वीक होगी। If you have less gap, you'll have a strong field. Electric field strong होगे। तो charge के नजदीक field lines करीब नजर आ रही हैं आपको। इसका मतलब यहाँ पे strong है field। और charge से दूर आपको gap ज़्यादा बड़ा बड़ा नजर आ रहा है field lines के दरमियान में। इसका मतलब यहाँ पे field weak हो चुकी। वीक फील्ड ओवर है। तो इफ यू आर क्लोज टू द चार्ज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, इफ यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज यू हैव अ वीक फील्ड। और यू ऑब्जर्व आप मैग्नेट से बहुत कॉमनली कर सकते हो। दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के नजदीक रखो, फौरन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आगे। या रिपल्जन होगा, लाइक पोल्स होंगे तो करीब लाओगे तो ज्यादा फोर्स से रिपल कर रहे होंगे। लेकिन अगर उन दो मैग्नेट्स को थोड़ा सा दूर रखा जाए एक दूसरे से, फोर्स इतनी नहीं आती, अट्रैक्ट नहीं होता उसकी तरफ इतना, और रिपल भी नहीं हो रहा होता, तो जो गैप होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हैव अ लार्ज गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस। सो ड्यू टू दैट लार्ज गैप वी हैव अ वीक फील्ड ओवर देयर, द फोर्स इज नॉट स्ट्रांग इनफ। इसी तरह जो चार्ज ए मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर मैं बी बोल देता हूँ, चार्ज ए मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैंने कम फील्ड लाइंस दिखाई है। कम फील्ड लाइंस दिखाने का मतलब ये है कि ये इनहेरेंटली बी के मुकाबले में थोड़ा वीकर चार्ज, इसकी फील्ड लाइन शुरू से ज्यादा गैप की है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या ये कह लो कि फील्ड लाइन की डेंसिटी से, डेंसिटी मतलब आपने कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस किसी एरिया में ड्रॉ की हुई है, तो फील्ड लाइन की डेंसिटी से भी आप फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर सकते हो। सही, कि अगर आपके पास फील्ड लाइंस जो है वो कम बनाई है आपने किसी चार्ज के अराउंड, तो दिस मीन्स दैट द फील्ड इज वीक ओवर देयर। तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि ए इज अ वीकर चार्ज देन बी। सही, ए का चार्ज है वो बी के मुकाबले में कमजोर है। सही, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इट शो वीकर चार्ज। सही, मैंने फील्ड लाइंस कम बनाई है इसलिए जो चार्ज है वो आपका वीकर चार्ज है वहां। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले मुझसे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब
दो चार्जेस के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वो बात भी हमारी मुकम्मल हो जाए। देखिए अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान की फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं सही, तो द फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे गो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो फील्ड लाइन पॉजिटिव से इमर्ज हो रही होती है और नेगेटिव में एंटर हो रही होती है, तो जब आप उन दोनों को कभी करीब लाते हैं तो फील्ड लाइंस कंबाइन जुड़ जाती हैं एक दूसरे से और इस तरह से आपको फील्ड लाइंस बनी हुई मिलती है। जब मैंने ये जो फील्ड लाइन ड्रॉ की है इसको थोड़ा सा इलाज कर दूं, इसमें कुछ बातें हैं जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है सही, जिस पे एग्जामिनर आपको मार्क अवार्ड भी करता है और आपके मार्क कार्ड भी देते हैं ना, तो उसमें पहली बात जो एग्जामिनर देखता है वो ये है कि भाई डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट की, या पहले तो ये कह लो कि करेक्ट शेप होनी चाहिए कि भाई जैसी बनती है लाइक चार्जेस के अनलाइक चार्जेस के दरमियान में फील्ड, क्या उसने वैसी बनाई हुई भी है या नहीं, आड़े टेढ़ी शेप में बना दी उसने, तो करेक्ट शेप, उसके बाद करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन का मतलब भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है या नहीं, उल्टी तो नहीं बना दी उसने फील्ड लाइंस के, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा दी, शेप सही है लेकिन डायरेक्शन उल्टी दिखाई हुई उसने, ये गलत हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा जो गैप है फील्ड लाइंस के दरमियान का वो बढ़ना चाहिए, आप जितना चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे सही है, चार्ज से जितना दूर जाना है आपने, आपने उतना गैप इंक्रीज करना है, इसलिए कम से कम तीन फील्ड लाइंस ऊपर बनानी जरूरी होती है ताकि आप ये दिखा सके कि गैप बढ़ा। जैसे यहाँ देखो इधर गैप कम था लेकिन यहाँ मैंने फील्ड लाइंस के दरमियान में गैप ज्यादा दिखाया, तो यही इसलिए दिखाया है ताकि मैं ये बात एक्सप्लेन कर सकूं कि एज आई एम मूविंग अवे फ्रॉम माय चार्जेस माय फील्ड इज गेटिंग वीकर, जैसे जैसे दूर जा रहा हूं मेरी फील्ड वीक होती चली जा रही है, तो करेक्ट शेप करेक्ट डायरेक्शन और इंक्रीज इन गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप आपके पास इंक्रीज हो जाना चाहिए। ये वो बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जिनका अगर हम ख्याल ना रखें तो हमारे मार्क्स वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं सही। और एक और चीज जिस पे एग्जामिनर कभी कभार नाराज हो जाता है, द फील्ड लाइंस बिहाइंड द चार्ज, चार्ज के पीछे की फील्ड लाइंस सही, अगर आप चार्जेस के पीछे की फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं सही, तो उस पे भी एग्जामिनर मार्क डिडक्ट करता है। ये चार चेक पॉइंट्स हैं जिस पे एग्जामिनर आपको मार्क देता है, कभी दो मार्क का क्वेश्चन दे देता है, कभी तीन मार्क का, कभी चार मार्क का सही, चार मार्क का तो कम ही आया है, दो से तीन मार्क के ऊपर आपके पास अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई ये वाली बातें हमें जरूर कंसिडर करनी है, गलती ना करें इन चीजों को करते हुए। बस ये गैप वाली बात बड़ी अहम है, इस गैप का जरूर ख्याल रखिएगा कि जितना आप चार्जेस से दूर जाएंगे आपने गैप इंक्रीज करके दिखाना है। हम अक्सर गलती करते हैं, हम इस तरह से नहीं ड्रॉ करते। अच्छा एक और बड़ी अहम बात फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हुए वो ये है कि फील्ड लाइंस को चार्ज में से रेडियल इमर्ज करवाना, फील्ड लाइंस मस्ट एंटर और इमर्ज रेडियली, फील्ड लाइन जो है वो रेडियल एंटर हो और रेडियली उनकी इमर्जेंस होनी चाहिए। अच्छा रेडियल एंट्रेंस और रेडियल इमर्जेंस से मतलब क्या है मेरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दबाजी के अंदर फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के अंदर एक बड़ा नेक काम करते हैं, मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, फील्ड लाइन ड्रॉ ऐसे करो जैसे
चार्ज के सेंटर से फील्ड निकलती हुई आ रही हो और चार्ज के सेंटर में फील्ड एंटर हो रही हो, सही? फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि चार्ज के सेंटर से फील्ड निकल के आ रही हो और उसके सेंटर में ही वो फील्ड एंटर हो रही होनी चाहिए। अक्सर हम कैसे ड्रॉ कर देते हैं, हम ऐसे ड्रॉ कर देते, ये गलत है, सही? इस तरह से फील्ड ड्रॉ करना गलत है, ये फील्ड है। सेकेंड वाले तो फिर बंदा सही बोल सकता है, लेकिन जो ये है सरासर गलत है। आप टेंजेंट से ड्रॉ नहीं करते हो फील्ड लाइन, आप सेंटर से ड्रॉ करते हो फील्ड लाइन। फील्ड लाइन ऐसी दिखनी चाहिए जैसे सेंटर से निकलती हुई आ रही है चार्ज पार्टिकल के, ना कि सरफेस पर टेंजेंट हो। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी के अंदर ये गलती नहीं कीजिएगा, एग्जामिनर मार्क डिडक्ट कर देता है। ये बातें मैं अभी इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप एएस लेवल में आते हैं तो ये चैप्टर दोबारा आएगा आपके पास और फिर सख्ती बढ़ जाती है, फिर वो बिल्कुल भी आसरा नहीं करता कि किसी स्टूडेंट ने इस तरह की वो गलती की होती, वो फौरन सीधे सीधे मार्क्स काट देता है। यहाँ ओ लेवल्स में तो थोड़ा चलो थोड़ी लेवरेज है कि ठीक है थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, मुनासिब है, कर लेंगे, देख लेंगे, मसला नहीं है इतना। लेकिन ए लेवल्स के अंदर तो बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर आसरा नहीं किया जा रहा होता, गलती है क्या मार्क्स, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अनलाइक चार्जेस की अगर हम बात करें, वे दो पॉजिटिव तो इनकी फील्ड लाइंस दोनों बाहर निकल रही हैं तो एक दूसरे से अवे जाती हैं। लैग चार्जेस के दरमियान में फील्ड लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे और सेंटर में आपको जो पॉइंट मिलता है बिल्कुल सिगजैग सेंटर के अंदर, ये आपका नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट से मुराद यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। असल में होता यह है कि इस पॉइंट के ऊपर ना दोनों चार्जेस की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। राइट से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू जा रही होती है, लेफ्ट वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आने वाली जो फील्ड लाइन है वो इस तरह से जा रही होती है। तो होता क्या है कि दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे कैंसिल कर देती हैं। फील्ड लाइंस वेक्टर्स होती हैं, ये आप एएस में जब आओगे तो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाऊंगा। फील्ड लाइंस वेक्टर्स होती है क्योंकि वो फोर्स बताती है ना, तो इसीलिए ये फील्ड लाइंस जो है ये वेक्टर्स होती है। ये वेक्टर्स की तरह ऐड होती है, वेक्टर्स की तरह सबट्रैक्ट भी हो सकती है। तो नल पॉइंट बनने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे दोनों फील्ड लाइंस एक ही तरफ जो है वो एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रही थी, लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मतलब अज्यूम करो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होता तो जो लेफ्ट साइड पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ फोर्स लगाता उस पर, और जो राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज है वो इधर रिपेल करता। नतीजा क्या होता, रिजल्टेंट जीरो आ जाता, दोनों तरफ से बराबर की रिपल्जन हो रही होती, आपके पास कोई चार्ज ही नहीं आता, रिजल्टेंट चार्ज आपका जीरो हो चुका होता। तो ये सिलसिला है, इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट को नल पॉइंट बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, फील्ड लाइंस कैंसिल ईच अदर एट दिस पॉइंट। ये बात बतानी चाहिए।
और प्लेट्स के दरमियान की भी फील्ड लाइंस देख लो ताकि वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, सही? दीज आर चार्ज प्लेट्स। अगर इन चार्ज प्लेट्स के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाए तो भाई बनेगी तो वैसी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर होंगी। उसी तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ पॉजिटिव गोइंग इनटू नेगेटिव। लेकिन इनकी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले कि ये फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, और इनका गैप कांस्टेंट होता है। सी, दे हैव कांस्टेंट गैप बिटवीन देम एंड देयर स्ट्रेट फील्ड लाइंस। वो प्लेट के सरफेस से 90 डिग्री पे इमर्ज होती हैं, 90 डिग्री पे एंटर होती हैं। लेकिन जो कॉर्नर होता है आपका, सही, कॉर्नर है वो, ये सही, वो कर्व्ड होता है, सही? कॉर्नर की फील्ड लाइंस आपकी कर्व्ड होती है। तो ये जो दरमियान वाला ग्रीन रीजन मैंने बनाया ना, इस रीजन को कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को कहा जा रहा होता है कि आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही वैल्यू की है, एक ही स्ट्रेंथ की है। इट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यू हैव द सेम स्ट्रेंथ एवरीवेयर, क्योंकि गैप सेम है ना, हर जगह पे आपको सेम स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे आपकी फील्ड लाइंस का गैप जो है वो वेरी करता है, कॉर्नर्स के ऊपर फील्ड लाइंस डिफरेंट हो जाती हैं। तो कॉर्नर्स आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, दरमियान वाला यूनिफॉर्म। तो भाई इस चीज का ख्याल रखना जब ये ड्रॉ कर रहे हो, तो स्ट्रेट फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। और कॉन्स्टेंट गैप रखना। ये चीजें जो है ये जरूरी होती हैं ड्रॉ करना। अच्छा, अब आगे की तरफ आते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस का मैं काम करूंगा, आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें एप्लीकेशंस वगैरह आप रीड कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। मैं भी जाना चाह रहा हूँ कि मैं जरा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव कर जाऊँ। सही, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करके ये होगा थोड़ा सा हमारे लिए समझना जो है वो थोड़ा क्विक हो जाएगा। बाकी पासवर्ड्स वगैरह की प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं कल की क्लास के अंदर कोशिश करेंगे, या बल्कि एक काम करते हैं, वी हैव हाफ एन आवर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कल ही शुरू करेंगे। आज मैं जरा आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ स्टैटिक के। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी हो जहन में, कोई बात पूछनी हो, पूछ ले मुझसे भी वो। ठीक है भाई, चले अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चंद एमसीक्यूज करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, सही है? उसके बाद फिर जो क्वेरीज हो वो पूछ लीजिएगा आप मुझसे। सबसे पहले पहले एमसीक्यू देखते हैं, आसान से एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं, सही है, ताकि चीजें इतनी मुश्किल ना फील हो। वो बोलते हैं विच रो शोज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, कौन सी रो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के बारे में बता रही है? तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब मुझे आसानी दे सकते हैं, तो क्यों ना एस एम सी क्यू का जवाब आप लोग मुझे दें। लेट्स सी क्या आंसर आता है आप लोगों की तरफ से।
ठीक है मिशाल, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है यार, कितना सोचना पड़ रहा हो। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बताना है और एक इंसुलेटर बताना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इंसुलेटर में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जैद, वहीद, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो रखता है ना अपने अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम कैसे हो सकता है इंसुलेटर? बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो सही, एल्युमिनियम एंड रबर, ठीक है उमर। ऑप्शन ए होगा ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपका एल्युमिनियम और इंसुलेटर रबर। कॉपर और रबर का कोई ऑप्शन नहीं है ना? सही। अच्छा, अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा चार्जिंग से रिलेटेड है, और कहा यह जा रहा है कि अ मेटल स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ। A metal sphere is connected to Earth. A positively charged rod approaches the sphere and stops before touching it. ठीक है, इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग है, कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा। What is the movement of charge on the sphere and what is the charge on final charge on the sphere? अच्छा, इस मूवमेंट ऑफ चार्ज बताइए, चार्जेस कैसे मूव करेंगे स्फेयर में, और ये भी बताना है कि फाइनल चार्ज क्या हो। अब देखिए, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड आप नजदीक लाएं, एक बात तो आपने अपने जहन में बैठा लेनी है कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं। सही है, पॉजिटिव चार्जेस कहीं मूव नहीं करेंगे, वो अपनी जगह रहेंगे। जो भी मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है तो सी और डी को तो आप पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर दोगे। सी और डी तो आपने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव लिखा हुआ था। सही, पढ़ना ही नहीं आगे भाई उस पर। तो भाई ए या बी में से आंसर है, नेगेटिव चार्जेस मूव मूवमेंट्स फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर। अब देखो होता क्या है, जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड यहाँ लेकर आऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो जाएंगे और इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं यानी अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ क्या देखेगा? अर्थ बोलेगा भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। वो उस स्फीयर को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकता वो, क्यों नहीं निकाल सकता इलेक्ट्रॉन स्फीयर में से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रॉड ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन्स रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो अर्थ उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो नहीं लेके चल सकता। हाँ, उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, तो अर्थ यही करता है। इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपका पूरा स्फीयर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही थे स्फीयर के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ ने भी दे दिए उस पॉजिटिव रीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो नतीजा ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्फीयर में बढ़ गए आपके पास, और आपका पूरा स्फीयर है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई? अगर किसी में कोई कंफ्यूजन है किसी को इस बात में समझने के अंदर, तो पूछ ले मुझसे। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। थ्री पे आते हैं। थ्री में बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज टू बट इट्स नॉट टचिंग एन आइसोलेटेड मेटल स्फीयर।
व्हिच डायग्राम शोज द चार्जेस दैट आर इंड्यूस्ड इन द स्फीयर. अभी अभी हमने ड्रॉ किया है, अभी अभी क्या क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बता दो. ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, बेहतरीन. अरीज अर्थिंग नहीं हुई हुई है, अर्थिंग नहीं हुई हुई है अरीज, अभी सिर्फ रॉड करीब लाई गई है. बिल्कुल इमन, वही बात जो मैंने रीच को बोली, बेटा अर्थ नहीं किया अभी आपने, आप सब उसको नजदीक लेकर आए हैं. सही है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज रॉड को, तो कोई चार्ज खत्म नहीं हुआ हुआ होगा अभी, दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे होंगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैद मारिया, बिल्कुल ठीक जवाब एमन, डी आंसर होगा इसका, कि नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा. हाँ अगर मैं अर्थ कर देता तो ए होता, अगर मैं अर्थ कर देता तो ए होता उसमें. शाबाश, चले अब आपकी जो है मेमोरी का थोड़ा सा इम्तिहान है. एमसीक्यू नंबर 7, वी हैव अ पर्सपेक्स रॉड दैट कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाय रबिंग इट विद अ वूलन क्लॉथ. पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पर्सपेक्स पे, सही, वूलन क्लॉथ के थ्रू रब करके, फ्रिक्शन वाला मामला है. सही, कि मिसाल के तौर पर दिस इज योर पर्सपेक्स रॉड एंड दिस इज द वूलन क्लॉथ, आप वूलन क्लॉथ को रब कर रहे हैं. सही है, पर्सपेक्स रॉड है. व्हाट डज दिस रॉड, हाउ डज दिस रॉड गेन इट्स चार्ज, इस रॉड पे इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे आए, मतलब वो बोल रहे हैं कि द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, कैसे आया होगा रॉड पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है जैद, ठीक है वहीद, ठीक है अब्दुल्ला, बेहतरीन जवाब माशाल्लाह से. एग्जैक्टली मिशाल, बेहतरीन, यस, शाबाश शाबाश, बेहतरीन. तो मतलब ये चीज मुझे तसल्ली हो गई कि आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में बिठा लिया है कि भाई प्रोटॉन्स नहीं मूव करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे पर्सपेक्स रॉड ने, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. किसी ने भी अल्लाह का शुक्र ये नहीं बोला कि प्रोटॉन्स गेन किए होंगे. सही, प्रोटॉन गेन नहीं हो सकते क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते. दैट्स गुड इनफ. इसे 13 को देख लेते हैं कि भाई अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू एन आइसोलेटेड टी शेप्ड मेटल पीस. इनिशियली द मेटल इज अनचार्ज्ड, व्हिच डायग्राम शोज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द मेटल. मेटल पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो कौन सा डायग्राम आपको दिखाएगा. ठीक है मिशाल, करेक्ट आंसर. मारिया, करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर जैद. अब्दुल्ला, करेक्ट आंसर. वहीद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली, शाबाश बच्चों, ए आंसर होगा इसका. जैसे नेगेटिव चार्ज रॉड करीब लेकर आओगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, फार एंड पे चले जाएंगे, और जो पोर्शन यानी ये वाला हिस्सा जो आपके नेगेटिवली चार्ज रॉड के नजदीक था, वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. शाबाश, आहा, यस एग्जैक्टली. 17, ये सवाल मैं खुद भी करवाता हूँ साथ. बोलते हैं स्मॉल अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर हैंग्स फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड, अ नेगेटिवली चार्ज रॉड मूव्स क्लोज टू द स्फीयर, करीब आया, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है. Which diagram shows the charges on the sphere and its final position? कौन सी डायग्राम चार्जेस शो करेगी और उसकी फाइनल पोजिशन बता रही है. रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसके करीब आई है. ठीक है वही साहब. ठीक है ठीक है,
बेहतरीन, ब्रिलियंट। एग्जैक्टली, ये आंसर है। तो जब नेगेटिव चार्ज करीब आएगी तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये हिस्सा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये रॉड जो है उस बॉल को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर लेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है, कहता है कि एयरप्लेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एज इट फ्लाइज थ्रू एयर बिकॉज इट लूजेस पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल्स लॉस्ट। सजेशन, इलेक्ट्रॉन लिखो। अगर कोई बच्चा नेगेटिव पार्टिकल्स भी लिखता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी लिखता है, तो गलत नहीं करता, एग्जाम में कर लेता है, कंसीडर कर लेता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन बेहतर है कि इलेक्ट्रॉन लिखा जाए क्योंकि उसे पार्टिकल का नाम पूछा था। फिर वो बोलता है द टायर्स ऑफ द एयरप्लेन आर मेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन द एयरप्लेन व्हेन इट लैंड्स। एयरप्लेन लैंड करेगा तो उस पर जो चार्ज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा। बिल्कुल, व्हेन द एयरप्लेन लैंड्स इट्स इट गेट्स अर्थ सही है एंड इट विल बिकम न्यूट्रल। अभी बोलोगे अर्थिंग अकर्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द अर्थ, कह लो इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द ग्राउंड मेकिंग द एयरप्लेन न्यूट्रल। आपका एयरप्लेन जो है वो न्यूट्रल हो जाए। फिर वो बोलते हैं सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप एन एयरप्लेन कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली टू अर्थ ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग। रिफ्यूल करने के दौरान आपको अर्थ करके क्यों रखना पड़ता है। सही, कॉमन सी बात है कि आप फ्लेम अवॉइड करना चाहते हो कि स्टैटिक चार्ज स्पार्क क्रिएट कर सकता है। स्टैटिक चार्ज कैन क्रिएट स्पार्क विच कुड इग्नाइट द फ्यूल। सही है, सही, इससे फ्यूल जो है वो इग्नाइट हो जाएगा एंड कॉज फायर, आग लग जाएगी। तो ये जो है वो एक कंसीडर करने वाली बात है कि आप क्यों इस बात को इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिकली अर्थ रहे, स्टैटिक चार्ज डेवलप ना हो। स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होगा तो फायर कॉज नहीं होगा। दूसरा सवाल था, ये देखते थे दिस वन, ये भी करते हैं। सवाल में कहता है कि वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर सी दैट इज ब्रॉट क्लोज टू अ स्मॉल अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर यू। स्फीयर यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड और फिगर 5.1 ड्रॉ द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन स्फीयर यू। स्फीयर यू के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज ड्रॉ करके दिखाइए। तो भाई लास्ट बात है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर सी था तो इंड्यूस चार्ज मैंने इधर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर जगह का मसला हो तो बाहर ड्रॉ कर देना। शर्त यह है जितने पॉजिटिव शो करो उतने ही नेगेटिव शो करना। अक्सर गलती हमसे ये हो जाती है कि हम पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा बना देते हैं, नेगेटिव चार्जेस कम बना देते हैं, ये गलत है। सही, और जज्बात में आके 8-10 पॉजिटिव चार्जेस या 8-10 नेगेटिव चार्जेस भी मत बनाना। अक्सर एक दो जगह मैंने देखा है स्टूडेंट्स ने, एक दफा मैं पेपर चेक कर रहा था, उस बच्चे ने 24 पॉजिटिव्स और 24 नेगेटिव्स बनाए थे। और मतलब शुरू में तो मैं उसको कैंसिल करने वाला था कि इतने सारे पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इसने गलत बनाए होंगे, कम ज्यादा किए होंगे। बोले चलो काउंट करके देख लेता हूँ। उस जवान ने 24 पॉजिटिव्स और 24 नेगेटिव बनाए थे, बराबर बनाए थे एक दिन, इतने सारे। मतलब मैंने कहा यार क्यों, मतलब क्या जा रहा है आपका, आप क्या चाहना चाह रहे हैं। तो इस चीज के लिए ना तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। कुछ लोग मतलब शौक होता है उनको तंग करने का,
जैसे मेरी एक सिस्टर है, ये जो है थोड़ी हमारे आप बहन भाई मामला जानते हैं कि, तो मैं इनको बोलता हूँ कि इनके दिमागी तवाजुन जो है वो खराब हुआ हुआ है। तो अब ये पास ही बैठी है, लेकिन बस वो एक होता है ना कि एक अपनी प्रेजेंस दूसरों को शो करनी है, इम्पोर्टेंस गेन करवानी है ताकि दूसरों को अंदाजा हो कि नहीं भाई हम मौजूद हैं। ये देखिए आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, ये सुन रही हैं आप इनकी आवाज, ये सुन रहे हैं आप इनकी आवाज। तो ये होता है ये बहनों में अक्सर, अगर आप लोगों के पास सिस्टर है तो आपको अंदाजा होगा कि ये थोड़ा सा ना होता है बहनों के अंदर मसला। आप चली गई जब उनसे तफरी करो तो चली जाती पढ़ थोड़ा सा माहौल डिफरेंट किया मैंने, बहुत देर से पढ़ाई हो रही थी। अच्छा भाई पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी बोलता है कि स्फेयर सी इज मूव टुवर्ड्स स्फेयर यू अंटिल द स्फेयर्स टच। अच्छा अब ये कांटेक्ट वाला मामला हो गया, सी स्फेयर्स आर नाउ इन कांटेक्ट। कांटेक्ट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कांटेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एग्जिस्ट करेगा। ओके माय बैड, देखो तुम लोगों से बातों के चक्कर में मैंने यहाँ पे गलत बना दिया था, कि ऐसा बनेगा। अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि द स्फेयर, सही है, स्फेयर सी इज मूव टुवर्ड्स स्फेयर यू अंटिल द स्फेयर्स टच, स्फेयर यू इज देन रिपेल्ड बाय स्फेयर सी एज शोन इन फिगर 5.2। द चार्ज इज ऑन सी एंड यू आर नॉट श्योर ओवर हियर। पहले तो बोलने स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन द टू स्फेयर्स एज दे टच। सी के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या होगा, यू के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या होगा। देखिए अगर आप गौर करें तो सी पॉजिटिव था और यू न्यूट्रल था। जैसे आप कांटेक्ट बनाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यू में से निकल के सी में आ जाएंगे, क्योंकि सी से प्रोटॉन्स तो नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यू में से निकल के सी के अंदर ट्रांसफर होंगे। कांटेक्ट में यही होता है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, अगली बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो हमने यहाँ लिखा कि भाई चार्ज ऑन यू में इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय सी, बट एज सी इज लार्ज इट स्टेज पॉजिटिव। सी यू के मुकाबले में इतना बड़ा चार्ज है कि ऑल दो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यू से निकल के सी में आ जाएंगे और यू को न्यूट्रल कर देंगे। सी अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, सही, बस उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब अगर पहले +6 पे था आप +3 पे आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेचर उसका खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कांटेक्ट होता है तो जो चार्ज बॉडी होती है जो कि इस वक्त सी थी, वो उस न्यूट्रल बॉडी पे अपना ही चार्ज प्रोड्यूस करा देती है। जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी पे अपना चार्ज प्रोड्यूस कराती है। इस वक्त सी जो था वो पॉजिटिव था, तो जैसे उसने यू वाले स्फीयर से कांटेक्ट किया उसने अपना ही चार्ज उस यू पे इंड्यूस करा देना है, उसको उसने पॉजिटिव कर देना है। तो कैसे करेगा वो उसे पॉजिटिव, उससे थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना पॉजिटिव कम करेगा, सही, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस कर देगा। अब अगर यू के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर अगर बात की जाए, सही, तो यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो न्यूट्रल था पहले, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट टू सी, सो यू बिकम्स पॉजिटिव। यू जो है आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिव हो गई, अगली बॉडी ने गेन किए लेकिन वो ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हुई, सही है, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया क्योंकि जो साइज है उसका वो ज्यादा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा है। यू इतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर सकता कि उस पूरे स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने बैठ जाए। हाँ तब भी वो पॉजिटिव होता, उस वक्त सिचुएशन ये होती कि
दोनों बॉडीज जो है वो इक्वली पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। यानी ऐसी मिसाल होती कि अगर इसके ऊपर मिसाल के तौर पे ये बहुत बड़ा चार्ज है प्लस सिक्स है और ये है ये न्यूट्रल था ये जीरो था, तो इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें ट्रांसफर होंगे तीन इलेक्ट्रॉन्स मिसाल के तौर पर इसमें से निकल के गए, जब तीन इलेक्ट्रॉन्स में से निकल के गए तो इसका चार्ज गिर के प्लस थ्री हो गया, इसका चार्ज बढ़ के प्लस थ्री हो जाएगा। सही, आपके पास इस तरह से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि दोनों सेम साइज के थे इस वजह से दोनों यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो था वो अच्छी क्वांटिटी में हो सका, लेकिन एक अगर क्योंकि बहुत छोटा सा था तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। चले अब वो बोलते हैं एक्सप्लेन व्हाई यू इज रिपेल्ड बाय सी, यू सी से रिपेल क्यों हो रहा है। तो भाई आप लिखोगे यू एंड सी बोथ अटेन पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक चार्जेस रिपेल। ये जो मैंने बात लिखी है ना लाइक चार्जेस रिपेल, ये बहुत अहम होता है लिखना। इफ यू मिस आउट राइटिंग दिस थिंग, सही, इफ यू मिस आउट राइटिंग दिस थिंग तो उसकी वजह से आपका मार्क डिडक्ट हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन एक मार्क का था, अगर आप ये बात नहीं लिखते आपको एक मार्क भी नहीं मिलेगा। सही, यू लूज योर मार्क कम्प्लीटली। हालांकि वो आपने लिखा है भाई यू और सी दोनों पॉजिटिव हो गए, आपके जहन में तो है भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते, लेकिन जुमले में क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है इस वजह से नो मार्क्स अवॉर्डेड ऑन दैट। ये बात है। अच्छा एक ये सवाल भी कर लेते, ये भी अच्छा पार्ट है इसका, एक सवाल का मैं ये करवा देता हूँ। वो बोलता है यू हैव टू फ्लैट मेटल प्लेट्स दैट आर पोजीशन्ड हॉरिजॉन्टली वन अबव द अदर, फिगर 11.2 शोज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड टू द बॉटम प्लेट एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द टॉप प्लेट। इसका मतलब है ये प्लेट आपकी पॉजिटिव हुई भी है और ये प्लेट आपकी नेगेटिव हुई भी है। आई हैव वोल्टेज सप्लाई स्विच्ड ऑन, जैसी वोल्टेज सप्लाई स्विच ऑन हुई होगी इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई होगी। अब आपसे बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करके दिखाइए, आपसे बोला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही होगी। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देते पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन भी ड्रॉ कर दिया हमने, शेप भी ड्रॉ कर दिया, आखिर की फील्ड लाइन जो है वो कॉर्नर वाली ऐसे बनेगी। ये आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो उसने तीन मार्क दिए थे ना, तीन मार्क किस पे दिए, उसने एक मार्क दिया करेक्ट डायरेक्शन के ऊपर क्योंकि बच्चे ने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया, उसने एक मार्क दिया बीच की जो फील्ड लाइन है उनके कॉन्स्टेंट गैप के ऊपर, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन शो हुई या नहीं हुई, और उसने तीसरा मार्क दिया जो एजेस की कर्व फील्ड लाइन है उसके ऊपर। इस तरह से आपको तीन मार्क अवार्ड करता है इस फील्ड की क्वेश्चन के अंदर। फिर वो उसे कहता है कि सजेस्ट व्हाई अ स्मॉल चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट प्लेस्ड बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स एक्सेलरेट्स अपवर्ड, कि भाई हमने यहाँ पे एक चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट प्लेस कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ स्पीड अप होता हुआ जा रहा है। अच्छा अब सबसे बड़ा मामला ये है कि इन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट के बारे में कुछ नहीं बताया, ना पहले कुछ बताया था, सही वहां पे भी कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं थी, ना अभी कुछ बताया, इतना बोला कि एक ऑयल ड्रॉपलेट यह रखा गया और वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। सही, तो देखो अगर कोई ऑयल ड्रॉपलेट या कोई भी चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो लाजमी सी बात है उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो ऊपर लग रही होगी, उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो ऊपर लग रही होगी, और अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव चार्ज, शुड बी पॉजिटिव, ताकि वो उस नेगेटिव प्लेट ऊपर वाली नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो और नीचे वाली प्लेट से रिपेल हो रहा हो, तभी तो वो ऊपर जा पाएगा, अदरवाइज अपर डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे पॉसिबल है अगर ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं
कि जनाब द ऑयल ड्रॉपलेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑयल ड्रॉपलेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज अट्रैक्टेड to the negative plate and repelled from positive, as unlike charges attract and like repel. एक और बड़ी अहम बात यहां कहनी है, इस ऑयल ड्रॉपलेट पे एक और फोर्स होगी, स्पेशल पे दो फोर्सेस हैं अगर आप गौर करो। एक फोर्स तो आप समझ चुके हैं कि भाई ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है जो ऊपर की तरफ लग रही है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ऑयल का अपना वेट भी तो होगा, उस ऑयल ड्रॉपलेट का अपना वेट भी तो होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है, सही, आपके पास जो फोर्स है वो ज्यादा है इसमें, सही, the electric force is more than the weight of the particle. अब ये बात देखो, the electric force is more than the weight of oil. तभी तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ आएगी, अदरवाइज रिजल्टेंट फोर्स ऊपर कैसे आ सकती है? इफ यू वांट एफ नेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन यू मस्ट हैव एफ मोर देन वेट, तभी वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन पॉसिबल है, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक बात यही है ना कि अंटिल एंड अनलेस यू हैव द रिजल्टेंट फोर्स यू वॉन्ट हैव एक्सेलरेशन। सो फॉर रिजल्टेंट फोर्स टू बी अपवर्ड्स और फॉर एक्सेलरेशन टू बी अपवर्ड्स यू मस्ट हैव एन इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच इज more than the weight of the particle. आपके electric force particle की weight से ज़्यादा होनी चाहिए. और फिर last में कहा जाता है कि the oil droplet touches the metal plate. State and explain what happens to the charge on the oil droplet. सही? Oil droplet के charge पे क्या effect पड़ रहा है? Contact बन गया है आपके oil droplet का plate के साथ. देखिए positively charged oil droplet था. ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव थी, ऊपर वाली प्लेट जो थी वो नेगेटिव थी, तो जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट जाके उस नेगेटिव प्लेट से स्ट्राइक करेगा क्या होगा कि वो नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट को ट्रांसफर कर देगी, नतीजा ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिव हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे कि the negative plate transfers electrons to oil droplet making it negative as well, hence the oil droplet falls. See, as the oil droplet falls. क्योंकि अब उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, अब बल्कि उल्टा मामला हो रहा है, उसके वजह फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, acting downwards. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट अब उसे अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी और ऊपर वाली प्लेट रिपेल करना शुरू हो जाएगी. यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, वरना फिर आज के लेसन यही एंड करते हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे, और मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें ये नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू आप पढ़ के उसको समझ भी सकते हो. मैं गूगल ड्राइव का जो लिंक है ना उसी के अंदर तमाम चीज़ें अपलोड कर दूंगा आपके.
अरिश आखिरी पार्ट में सिलसिला ये था, वो ये कह रहे हैं। अच्छा आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, मैं आगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं। अरिश आखिरी पार्ट के अंदर असल में ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट था, पॉजिटिवली ऑयल ड्रॉपलेट था, वो ऊपर जाके प्लेट को हिट कर गया। सही, पॉजिटिव पे जो प्लेट थी। वो बोलते हैं ये बताइए कि व्हाट्स गोना हैपन टू द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो हुआ क्या कि वो जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी ऊपर जो मौजूद थी, जैसे ही पॉजिटिव ऑयल ड्रॉपलेट उस नेगेटिव प्लेट को हिट करेगा, वो नेगेटिव प्लेट क्योंकि आपकी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स उस ऑयल ड्रॉपलेट को ट्रांसफर कर दिया। सही, उसने इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट को ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो खुद भी नेगेटिव हो गया, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। और हम ये बात जानते हैं कि भाई जितने आपके पास, यानी जब ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, तो वो रिपेल होगा और वो नीचे गिर जाएगा। चलो ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अब अपडेट भी करवा दिया मैंने सारा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।